हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। टाइम हुआ है 12 बजे से आज शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने सोचा था 2:30 बजे से नहीं शुरू करना है ना। ब्रेकफास्ट हमारा हो गया था काफ़ी देर पहले से ही, और आज मैंने ना एक लंबा चौड़ा काम शुरू कर लिया है, पर कोई ना, कर देंगे, है ना। तो लंबा चौड़ा काम मैं दिखाती हूँ आपको क्या है। तो ये देखिए, मैंने सारी किचन खोल के रखी है है ना। मतलब बहुत दिन हो गए थे, 2 हफ्ते हो गए थे आई थिंक, मैंने ना डीप क्लीनिंग नहीं की थी, सारा कुछ निकाल के अच्छे से साफ करना। तो सोचा आज कर लेती हूँ, मैट्स वगैरह अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। मम्मा क्लीन कर रही है, दो दो वीक्स क्लीन नहीं किया आपा। मतलब डीप क्लीन नहीं किया? डीप क्लीन ना, वी थॉट कि डीप क्लीन किया जाए। अपना ही घर है, घर सुंदर है तो अच्छा लगता है ना। हाँ जी, अब इसको थोड़ी सूखने भी देते हैं। ठीक है, ये ना आ रही थी मैगी, एक ही बची हुई है आरू, ये मैगी। ठीक है ना। सामान सारा बाहर निकालना ही पड़ेगा। सॉल्ट सॉल्ट, आज अब हमारे घर में सॉल्ट ही सॉल्ट होके रखे हैं, क्योंकि पहले गलती से दूसरे सॉल्ट ले आए थे। हाँ जी, सॉल्ट लाए थे इसमें ना, पता नहीं क्यों जब भी डालते हैं किरकल सी आती है। मुझे कोई प्लीज बताइए मैं इसको क्या करूं, इसको कैसे यूज कर सकती हूं। एक चीज मैंने सोची है कि पानी में घोल के या कुछ करके, मतलब नीचे मिट्टी बैठ जाएगी, ऐसा भी कर सकते हैं है ना। प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा मैं इसको कैसे यूज करूँ, क्योंकि बिल्कुल न्यू पैकेजिंग है। मैं वीडियो बनाऊंगा थर्ड डे ली, पैटर्न होगा एक, मैं करूंगा फिर स्टैंड, फिर सांस चढ़िया मुझे, मैं अभी पानी पी के आई हूँ, सारी किचन फैला लिया मैंने। मतलब ये वाला पोर्शन दिखाती हूँ, अभी तो ये तीन पोर्शंस ही एम्प्टी किए हैं, तीन ही चार, अभी से किचन फैल गया, इतना ज़्यादा सामान हो गया है ना। अब इनको लगाना भी है ना, अरेंज भी करना है, बहुत कुछ, मतलब एक्सपायर हो गया था डेट्स, तो वो भी गार्बेज की हैं चीज़ें। और बीच बीच में ना नाया को भी देखना पड़ता है, रो रही थी मेरे पास आई। इस टाइम ना किचन की कुछ ये हालत हो गई है, ये देखिए। पर कोई ना, क्लीनिंग के बाद भी दिखाऊंगी मैं आपको। 12 बजे शुरू किया था मैंने, 12:25 हो गए हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, ऐसे तो काम नहीं निपटेंगे। अभी सामान लगाना शुरू करते हैं। मैंने ना आज क्या किया है, पहले न्यूज़पेपर बिछा दिया है और ऊपर ये प्लास्टिक वाले बिछाए हैं, तो ऐसे ठीक रहेगा, नहीं तो ना चिकनाई सी हो जाती है ना। अब इन कॉर्नर मैंने जो खाना है, ये मैंने सॉल्ट वाला ही बना के रखा, इसको सॉल्ट लगाऊंगी इसमें। सॉल्ट बहुत हो रहे हैं घर में, पर ना फिर टेंशन नहीं रहती है। ये है अनाया के सीरियल्स, इनको फ्रंट पे ही रखना पड़ेगा, यहाँ पे रख देते हैं सीरियल्स को। एंड अचार मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये वाला सेक्शन मैं अचार का ही बना के रखती हूँ। मैंगो पिकल, लाइम पिकल, ये हरी मिर्ची का पिकल, दिस इज गार्लिक पिकल, ये है सेवैयाँ, आरव को बहुत पसंद हैं,
इंडिया से लाए थे वो थोड़ी सी हैं तो हम और ले आए। ऊपर वाले 4 खाने तो मैंने लगा दिए हैं, अब मैं आई हूँ बॉटम वालों पे। ये भी मैंने लगा दिया क्लीन करके, इसमें मसाले वगैरह हैं। और ये नीचे वाला है, इसमें भी मसाले निकले हैं पर लगाते हैं अब इसको भी। जैसे आपको पता ही है कि मैं अभी किचन में काम कर ही रही हूँ और अभी डोरबेल बजी तो पहले मुझे लगा कि कौन आ गया है ना, पर मेल गर्ल थी तो वो मेरे को मेरा नाम पूछने लगी, मुझसे सिग्नेचर करवाए हैं उसने। तो पता क्या आया है, इंडिया से था सामान वो, इंडिया से आई है राखी। एंड थैंक यू सो मच, अरब की बुआ जी की है एंड इसके पापा की सिस्टर की ऑब्वियस है ना, तो थैंक यू सो मच दीदी राखी भेजने के लिए, टाइम से पहले आ गई है, वी आर लकी एंड थैंक यू सो मच। अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो थैंक यू सो मच एंड यस राखी पहुंच गई। काफ़ी हद तक मैंने सामान उठा लिया है, ये देखिए अभी ये कॉर्नर खाली हो गए हैं, ये न्यूज़पेपर अभी रखे हैं। अभी मेरे को ना ये वाला टेबल क्लीन करना है। हेलो अगैन, तो अभी बचने वाले हैं 2-3 मिनट हैं एंड किचन मेरी बहुत अच्छे से क्लीन हो गई है। बट मैं दिखाती हूँ आपको कौन सा सेक्शन अच्छे से क्लीन हुआ है, पूरी किचन कैसे क्लीन कर दी है। अभी जो मैंने खाने नहीं ओपन किए हैं वो नहीं अरेंज किए हैं, वो ऑलमोस्ट क्लीन भी हैं। ये मेरा पैंट्री हो जाता है ना जैसे, तो इसमें ज़्यादा मैस हो जाता है, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ किचन। तो ये देखिए मैंने सब कुछ यहाँ से उठा दिया है और अब कोशिश होगी कि यहाँ पर कुछ भी वापस ना ही आए, अगर आए तो साथ के साथ अपनी जगह पर जाए। एंड हाँ जी देखिए 2 बजने वाले हैं, अभी दिखाती हूँ ये एरिया, ये भी बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। ये देखिए बिल्कुल चकाचक, ये सभी डिशेस धो दिए, इनको बस लगाना बाकी है, पर मैंने कहा चलो दिखा देती हूँ आपको। मैंने कुछ छोटे थोड़े चेंजेस किए हैं, ये जगह यहाँ पे आ गया, पहले भी यहीं पे हुआ करता था, मैंने थोड़ी दिन के लिए उधर रखा था बट बैक टू स्पेस। एंड ये कप स्टैंड मैंने यहाँ पर रख दिया है एंड ये देखिए ये प्लेट स्टैंड भी मैंने साइड पे लगा के रखा है, पहले ये इस जगह पे हुआ करता था बट अभी मैंने चेंज कर दिया इसकी पोजीशन। और यहाँ से जो भी सीरियल के बॉक्सेस पड़े थे ना वो मैंने सभी उठा दिए हैं, मैंने वो अंदर अरेंज कर दिए हैं इनके, तो इस तरह से ये दिख रहा है अभी। एंड ये देखिए मैंने ये डेकोरेटिव पीस यहाँ पे रखा है, आपको याद होगा कि जो प्लास्टिक का था इसके नीचे वाला है ना वास, वो टूट गया था, अनाया से गिर गया था, तो मैंने ये मेरे पास था पॉट, इस पर ये लगा के रखे हैं, अच्छे लग रहे हैं, किचन अच्छी सुंदर लगने लगी है। खाली खाली रखूँगी अब इसको, मैसी नहीं करना मुझे बिल्कुल भी और ना किसी को करने देना है। शर्मा जी को भी स्ट्रिक्टली बोल दूँगी कि मेरी किचन को मैसी नहीं करना। ओह हेलो अगैन, मैं अभी आके बैठी हूँ, 2:20 हो गए हैं, मतलब थकावट से बुरा हाल, जब से उठी हूँ काम में लगी हुई हूँ, सुबह ब्रेकफास्ट डिशेस क्लीनिंग एक्स्ट्रा लेके बैठ गई आज, फिर साथ साथ में बच्चे छोटे हैं तो इनको भी देखना पड़ता है, नया बीच बीच में परेशान करती है, कभी इसका पी कभी पूप, अभी भी इसका डाइपर चेंज किया मैंने, अभी खेल रही है, थकी हूँ बहुत ज़्यादा। तो ये होती है लाइफ कनाडा की, नॉट इवन अ सिंगल हेल्प,
दो आई एम नॉट वर्किंग राइट नाउ, बट फिर भी इतना काम हो जाता है ना, मैं बता नहीं सकती। और आज मैं भगवान का नाम भी नहीं ले पाई हूँ। लाइक मन में तो ले लिया, थोड़ी देर मैंने वो भजन भी चलाया था, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो वाला भजन, हरे हरे शंभू शंभू। बताना किसने सुना है, अनाया नो स्क्रीमिंग। तो बताना मुझे इतना अच्छा लगा ना, मैं सारा दिन ना मतलब बड़ा जोश सा आ जाता है जब इसको सुनती हूँ, फिर मैं भी बहुत जोर जोर से बोलती हूँ। और आरव ने ना कुछ बनाया है, दिखाती हूँ मैं आपको। फैंटा पॉपसिकल, हाँ फैंटा डाला था इसमें, कहता मैं पॉपसिकल घर में ही बना लूंगा। बीमार होने का कोई भी मौका छोड़ता थोड़ी है ये लड़का। अनाया को मत दो, नॉट सेफ। अनाया आइसक्रीम खा रही है ठंडी ठंडी। कई लोग सोचते हैं कि अब तो नेहा जॉब नहीं करती, फ्री रहती होगी घर पे, है ना, इतना क्या काम। पर उनको नहीं पता, बच्चे मेरे छोटे हैं, आरव की छुट्टियां चल रही हैं, और लड़के थोड़े से होते हैं शरारती। देखिए मेरा बच्चा तो है थोड़ा उछल कूद करने वाला, मैं किसी और के बारे में तो नहीं बोल सकती, बट हाँ मैंने जहाँ तक देखा है लड़कियों को संभालना फिर भी इजी होता है कंपैरिजन टू बॉयज़, बट फाइन। और एक बात और है कि जो कहते हैं कि घर पे कोई काम नहीं होता, देखिए जिस बंदे ने काम करना हो ना वो उसके लिए तो बहुत सारे काम होते हैं, और जिसने काम नहीं करना होता उसके लिए कोई काम होता ही नहीं है, है ना। मैं ऐसी बंदी हूँ, मुझे होता है कि उठो नेहा काम करो, चाहे मेरी तबीयत कितनी भी ख़राब हो ना, मेरे हेडेक हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, मेरी बॉडी में पेन हो, पर अगर मुझे पता है काम करना है तो काम करना है। क्योंकि इसका एक रीज़न तो ये है कि मुझे पता है कि यहाँ पर मेरी हेल्प करने के लिए कोई नहीं है। सेकंड, ये मेरी नेचर में भी है कि मैं फ्री नहीं बैठ सकती। आपको पता ही है, जैसे मैं कहती हूँ मेरे पास आधा घंटा है बैठने के लिए, तो वो उस आधे घंटे में मैं बैठकर भी भगवान का नाम लिखती हूँ, तो वो फ्री होना नहीं होता। लाइक जैसे अभी मैं, मेरे पास 10 मिनट थे, मैं अभी मैंने वो 10 मिनट में वीडियो बनानी शुरू कर दी, बच्चों को थोड़ा सा इन्जॉय इनके साथ किया, है ना। तो मतलब ऐसा नहीं होता, जिस बंदे ने काम करना होता है उसके पास वो घर पे है, वो कोई ना कोई काम ढूंढ लेता है। एंड क्लीनिंग इज़ मस्ट, यहाँ पर क्लीनिंग करनी बहुत नेसेसरी हो जाती है, और जिसको शौक होता है वो करता है, जिसको नहीं होता वो नहीं भी करता। सो ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर यहाँ पर क्लीनिंग है, इतनी मिट्टी नहीं है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ऐसा नहीं होता। तो आई थिंक ये व्लॉग बहुत लंबा हो रहा होगा, मुझे नहीं पता कितना लंबा बना है। एंड इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, बिकॉज़ मुझे किचन फिर से बुला रही है, 2:30 बज गए हैं। पर आज का ये व्लॉग मैंने 2:30 बजे नहीं शुरू किया, 12 बजे शुरू किया था, है ना। हालांकि उससे पहले भी काम किया था, बट मैंने व्लॉग शुरू किया था 12 बजे। तो चलिए फिर मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, एंड यस क्लीनलीनेस इज़ मस्ट, है ना। बाय।